नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं क्या? जी हाँ, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं और अभी तक अपने RBSC वालों की कोई अपडेट नहीं है। आप अगर अपडेट को पूरा सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो CBSE वाले बच्चे थे, CBSE के 10वीं 12वीं के बोर्ड के बच्चे थे, वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर CBSE स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ CBSE के बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। तो वो बच्चे मांग कर रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन करो या कैंसिल करो। तो आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 10वीं की एग्ज़ाम कैंसिल किए जाते हैं। हाँ बच्चों, 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल किए जाते हैं और 12वीं के एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किए गए हैं, और वो 1 जून तक के लिए पोस्टपोन है। 1 जून को जो कमेटी बनाई है, बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि 1 जून के बाद में क्या सिचुएशन रहती है कोरोना की, उस हिसाब से वहाँ पर एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा और वो सिर्फ 12वीं CBSE का एग्ज़ाम रहेगा। अब रही बात RBSC की, तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में भी बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद में अगर चीज़ आती है तो राजस्थान में आता है। राजस्थान में बहुत तेज़ी से आज 6,000-7,000 केस पर डे के आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। और जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया, बहुत ही खतरनाक है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो 12वीं और 10वीं और 8वीं का क्या अपडेट है राजस्थान में, वो भी ध्यान से सुनिएगा। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा जी ने अपने सुझाव साझा किए थे। अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसे सुझाव साझा किए हैं उन्होंने और CBSE के बोर्ड्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो वहाँ से हम संकेत मान सकते हैं कि हमारे भी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो डॉक्टर आसरा जी ने कहा था कि हमारे राजस्थान में 6वीं 7वीं को प्रमोट कर दिया गया है, और अभी अपडेट आया है कि 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम के संदर्भ में जो भी आदेश थे आज तक, वो सब निरस्त किए जाते हैं। मतलब 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम जो कि 22 अप्रैल से होने वाला था, वो भी क्या हो गया दोस्तों, निरस्त हो गया। उसके भी सभी अपडेट हैं वो निरस्त हो चुके हैं। अब बात आती है 8वीं 10वीं और 12वीं की, जिनके एग्ज़ाम 6 मई से होने वाले हैं। अब होंगे कि नहीं होंगे ये तो अभी अपडेट आया नहीं है, लेकिन डोटासरा जी ने कहा था कि अगर 6 मई से एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसका मतलब कोर्स लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चे अब घर बैठ कर पढ़ सकते हैं कि जब भी एग्ज़ाम होना होगा दे देंगे। एग्ज़ाम तो होगा राजस्थान में कैंसिलेशन एग्ज़ाम का नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है अभी पोस्टपोन हो सकता है कि जब सिचुएशन फेवरेबल आ जाएगी, जब कोरोना का पीक घट जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि कोरोना मिड ऑफ मई तक पीक पे रहेगा। मतलब जो मई का मिड महीना है, मई के मध्य तक वो अपने पीक पे रहेगा, फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, तो हम मान सकते हैं कि जून जुलाई के अंदर अपना एग्ज़ाम हो सकता है। अभी तक यही मान रहे हैं पोस्टपोन होगा। मेरे ख्याल से जिस संकेत दिए हैं डोटासरा जी ने गहलोत साहब को, वो मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना है अब। लेकिन 8वीं 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे, वो पोस्टपोन होने चाहिए और होने जा रहे हैं। मतलब राजस्थान में पोस्टपोन होने की चांस है, अभी तक आज या कल 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी वो भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये जानकर अच्छा लगा है, कैसा भी लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि CBSE के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो कैंसिल 10th के हुए हैं, वो सही है या गलत है, 12वीं का पोस्टपोन होना सही है या गलत है, या राजस्थान में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं RBSC के, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस बात को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा आप अभी नए हो हमारे इस चैनल पर तो ऐसे अपडेट्स सुनने के लिए, आगे भी इसी तरीके के अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला नोटिफिकेशन डालें आपके नोटिफिकेशन में दिखा दें और आप वीडियो देख पाओ।